नमस्कार, आज मैं बना रहा हूँ राजमा दाल मखनी। दोस्तों, अगर आपको ये राजमा दाल मखनी आपको बहुत पसंद है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास में बेल बटन भी ज़रूर दबा देना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको राजमा को पानी में भिगोना है, तो मैंने लिया एक कटोरी राजमा दाल और एक कटोरी ब्लैक मसूर का दाल, और उसके बाद लूँगा मैं हाफ कटोरी उड़द की दाल। तो इसको मैंने अच्छे से भिगो दिया था, कम से कम 7-8 घंटा भिगोना है, मतलब फुल नाइट भिगोना होता है इसको, तो अच्छे से तो फूलेगा। मेरे देखिए कितने अच्छे से फूल गया ये, कम से कम 7-8 घंटे इसको भिगो के रखा था मैंने। अभी अच्छे से इसको साफ करके धो देना है, धो के उसको पानी निकाल देना है। अब अच्छा हो गया हमारा। अब ये इसमें हम उसको कुकर में सीटी मारेंगे। अभी लिया मैंने इसमें 2 टुकड़े दालचीनी लिया हूँ और 3 इलायची और 1 तेजपत्ता। सबसे पहले अब नीचे हम उसको रख देंगे, इलायची को उसको थोड़ा तोड़ दिया नीचे रख दें। उसके बाद हम जो राजमा दाल और ब्लैक सब मिक्स दाल उसमें कुकर में दे देंगे। कुकर में देंगे उसको सीटी मारना है हमको, कम से कम 4 सीटी मारना है। अब हल्दी, 1 चम्मच हल्दी दिया हूँ मैं और 1 चम्मच नमक। इसके लिए हमको 4 सीटी चाहिए, 4 सीटी में रेडी हो जाएगा राजमा। ये पानी दिया मैं, वो 1 कटोरी पानी दिया हूँ। देखिए राजमा से थोड़ा ऊपर रहना चाहिए पानी। अब हमको सीटी मारना है। ये बैठ गया गैस में, अब पहला सीटी लग गया, इसमें 4 सीटी लगा दिया मैंने। अब राजमा दाल हमारा रेडी है, सीटी लग गया 4 सीटी। अब हम उसको बनाएंगे। मैंने इसमें 2 टुकड़ा बटर लिया हूँ, बटर से बनाएंगे, और 2 टो इलायची लिया हूँ, इलायची डाला हूँ। अब अच्छे से गर्म हो गया, इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट दिया हूँ 2 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम टमाटर पेस्ट करके रख दें, अभी टमाटर पेस्ट डाल देंगे इसमें। पहले 1 चम्मच नमक दिए थे, अभी इसमें टमाटर इस मसाले के लिए 1 चम्मच नमक दिया हूँ, और काश्मीरी 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा कलर के लिए अच्छा होता है, अच्छा दिखने भी अच्छा। और 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच चिकन मसाला, मैंने डायरेक्ट पैकेट में डाला हूँ, लगभग वो 1 चम्मच ही होगा। ये हमारा मसाला अच्छा से तैयार हो गया। अब जो हम राजमा दाल जो उबाल के रखे थे और सीटी मार के रखे थे, अब इसको इसमें डालेंगे। अच्छा से हमारा हुआ है ये, अभी इसमें डाल देंगे। दोस्तों बिल्कुल जो राजमा दाल मखनी बनाने का बिल्कुल आसान तरीका मैंने बताया आपको, बहुत ही टेस्टी, वो बिल्कुल आप बिल्कुल 5-स्टार होटल में भी आप भूल जाएंगे, उससे भी बहुत अच्छा बनता है। घर में
बिल्कुल राजमा दाल मखनी घर में बनाए, बहुत अच्छा। अभी इसको एक चौके भर के मेथी लिया हमें, कस्तूरी मेथी, उसको घिस के थोड़ा चौके में घिस के डालना है, तो उसका अच्छा से थोड़ा टेस्ट आता है। ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालने से कड़वा हो जाएगा, तो एक चौके भर के डालना है, उसका अलग टेस्ट आता है थोड़ा। तो बिल्कुल जो 5 स्टार होटल में जो राजमा दाल मखनी होता है उससे भी आप भूल जाएंगे, बहुत ही अच्छा आप घर में बना सकते हैं इसे। तो दोस्तों आई होप ये रेसिपी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों प्लीज लाइक कमेंट शेयर, और दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पास में बेल बटन भी जरूर दबा देना, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर लिखने का। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए विदा। ओके दोस्तों।